नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ASI और SI जो आपका DVPST हो चुका है, टाइपिंग के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, जब DVPST आपका चल रहा था उस समय आपके कुछ सर्टिफिकेट को लेकर एक बार आयोग ने, भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया था 11 अप्रैल को, और कहा था कि अगर जो भी आपके फर्जी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं उनको चेक किया जाएगा और उन्हें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन DVPST जो भी हुआ, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, उस समय ऐसा कुछ नहीं पता चला कि कौन से बच्चे बाहर हुए हैं, कौन से सर्टिफिकेट। जैसे अभी SI वाले में क्या हुआ कि जो बच्चे संदिग्ध पाए गए उनको पकड़ा गया और न्यूज़पेपर में वो आ रहा था, कहीं ना कहीं डेली इन लोगों के नाम आए, और साथ ही साथ बोर्ड ने भी उनके नाम जाहिर किए कि इतने लोग हैं जो फर्जी तरीके से कहीं ना कहीं अपने सीट को चाहे जो भी किया हो एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन यहाँ पे अगर फर्जी सर्टिफिकेट आपने DVPST में पकड़ा तो बोर्ड को यहाँ पर बच्चों को सूचित करना चाहिए था कि फला फला यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट इनवैलिड है, इनको नहीं मान्य किया गया है। और ये पूरा 100% सत्य है, बच्चों ने कई जगह से प्रूफ भी उनके पास है और वो जमा भी किया गया है DG साहब के यहाँ। तो उसमें साफ साफ बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो फर्जी सर्टिफिकेट कराए हैं। जैसे कुछ जगह बाहर किया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट है, खासकर CV रमन के और राजीव गांधी के जो इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट हैं, उनको कहीं बाहर किया गया है, लेकिन CV रमन का कहीं नहीं आया कि बाहर हुए हैं बच्चे कि नहीं बाहर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने बाहर किया है DVPST से और जो फर्जी सर्टिफिकेट से आपने बाहर किया, तो उसका कम से कम जो बच्चे हैं उनको आप नाम तो बताओ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, चाहे इंस्टीट्यूट है जो ब्लैक लिस्टेड की कैटेगरी में, जिसे आपने पकड़ा है। तो भैया इसको लेकर 10 तारीख को, ठीक है, 10 मई को हाईकोर्ट में बच्चों ने रिट्स डाली, 19-20 लोगों ने मिलकर ये रिट्स डाली। ये रिट्स एक्सेप्ट हो चुकी है और हाई कोर्ट ने विद इन 1 वीक भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है इसका, और भर्ती बोर्ड में एकदम अफरा तफरी मची हुई है इस बारे को लेकर, क्योंकि उन्होंने खुद भी एक विज्ञापन दिया था, नोटिफिकेशन दिया था इससे रिलेटेड, तो उनको ये डिटेल देना ज़रूरी है कि आपने फर्जी सर्टिफिकेशन पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। नहीं पकड़ा है भाई, इतने प्रूफ हैं आपको दिया गया है, तो इसीलिए यह फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर कोर्ट ने विद इन वीक में जवाब मांगा है बोर्ड से। और जो भैया फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हो, ध्यान से सुन लो, कोर्ट एक्टिवेट हो गया है, और जब कोर्ट एक्टिव हो गया है तो भर्ती बोर्ड आपको घर से पकड़कर जेल में डालेगी, ठीक है। या तो अपने आप सरेंडर कर दो कि भैया हमसे ये गलती हो गई, दादा हमें माफ कर दो, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए एकदम तैयार रहो कि आपको जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि 1 वीक के अंदर ही कोर्ट को जवाब देना है भर्ती बोर्ड को, ठीक है। रही बात स्टेनो की, थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं, और बच्चों ने यह भी मांगा है जवाब कि कोई भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग ठीक है, आपने थर्ड लिस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उनको ये लग रहा है कि स्टेनो के बच्चे नहीं मिलेंगे, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, जिनका जो कट ऑफ मार्क है सेकेंड लिस्ट की बात करें, तो उनके पास BCom की डिग्री नहीं है, लेकिन उनका क्या आया है, उनका नाम DVPST में आया था, ठीक है। तो DVPST तो उन्होंने करा लिया, वो पास भी हो गए, लेकिन वो आहारता नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सीट लेके जा रहे हैं, तो जब उनकी टाइपिंग होगी तो कहीं ना कहीं वो तो एलिजिबल नहीं है, और वो ASI में तो जा नहीं सकते क्योंकि उनकी मार्क उतने नहीं है, तो उनको बाहर करना चाहिए, ठीक है। तो वो तो बाद की बात है, क्योंकि अगर कट ऑफ डाउन जाता, वो टाइपिंग के बाद पता चलेगा कि कट ऑफ किसकी किसकी डाउन डाउन जा रही है। अगर मिनिस्ट्री वालों की फुलफिल हो गई तब तो भैया चांसेस कम बन रहे हैं, लेकिन अकाउंटेंट वाले जो लोग उस लिस्ट में गए हैं और उनके पास BCom डिग्री नहीं है, वो तो बाहर होंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो किसी स्टेट से होंगे। लेकिन जिस भी स्टेट से बाहर हों और अगर सीट उस पोस्ट के लिए खाली जा रही है, तो फिर से बच्चों को बुलाना चाहिए जो उसके लिए एलिजिबल है। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से बच्चों ने यह भी कहा है कि भैया लास्ट टाइम तक आप सीट को वैकेंट नहीं रख सकते हो, चाहे वो स्टेनो की हो, चाहे किसकी हो, अकाउंटेंट की हो, चाहे मिनिस्ट्रियल की हो, जिसकी भी होगी आपको लिस्ट निकालनी होगी, लेकिन अभी सेकंड लिस्ट पे ही हमें लग रहा है आगे बढ़ेगी, उसके बाद से जो भी होगा, तो जिसमें सीटें खाली होंगी, जिसके बच्चे नहीं मिलेंगे, उनको हो सकता है बुलाया जाएगा। देखो कुछ प्रूफ हैं जो भाई आप लोग नहीं सोच रहे होंगे कि रिट्स के प्रूफ क्या है। देखो रिट्स के ये प्रूफ है,
ये आपको दिख रहा होगा, साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं। इसमें साफ साफ देख रहे होंगे आप लोग कि यहां पे केस का जो ये रेट्स का रजिस्ट्रेशन है 5/10/5/2022 को है। पहली हियरिंग 12 मई को 2022 में हुई थी, नेक्स्ट हियरिंग 20 जून को, यही 20 जून 5 दिन बाद नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। तो इसी में आपको पता चल जाएगा कि क्या है भैया, क्या होगा, भर्ती बोर्ड ने क्या कोर्ट से कहा है। तो रिट्स का ये देखो, रिट्स का जो नंबर है आपका, यहां से देख सकते हो, ये है आपका रिट्स, ये पूरी पूरी रिट संख्या है। आप जाके हाई कोर्ट की वेबसाइट पे नंबर डाल के आप निकाल सकते हो। रजत मिश्रा जी ने डाला है पार्टिशनर, ठीक है, और साथ में 19 लोग और हैं। और यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर काउंसिल ऑफ द वो, उसके बाद से आपके यहाँ राम प्रवेश पांडे जी बच्चों की तरफ से ये केस को इन्होंने रिट्स डाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लर्न स्टेट लॉ ऑफिसर शैल सीक इंस्ट्रक्शन विद इन ए वीक, एक हफ्ता के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है, ठीक है। तो 20 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भैया ये लोग क्या बता रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े थे तो वो डेटा कहाँ है, किस इंस्टीट्यूट को आपने पकड़ा है, तो उसको ब्लैकलिस्ट करार दीजिए ताकि आगे किसी भी वैकेंसी में उसके कोई भी जो डेटा है, चाहे जो भी है, वो लिस्ट जो भी आप वहां से कोर्स कर रहे हैं, तो वो ब्लैकलिस्टेड रहेगा उत्तर प्रदेश के इस बोर्ड के लिए, ठीक है। कम से कम इतना तो बताना ही चाहिए। और कितने, क्यों एक भी बच्चे नहीं पकड़े गए, आपने एसआई में सबके नाम गिना दिए, 60-70-100 लोग जो पकड़े गए थे, यहां भी पकड़ाओ, जो भी फर्जी आपके सर्टिफिकेट लेके गए उनका भी एक निकालो नोटिफिकेशन कि इतने लोग फर्जी सर्टिफिकेट में पकड़े गए, ताकि पता तो चले बच्चों को कि हर चीज ये फेयर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो भैया मेरा यही उनसे कहना है कि जो लोग भैया फर्जी सर्टिफिकेट का यूज किए हैं, वो खुद भी खुद या तो ना जाओ टाइपिंग देने, सिंपल सी बात है, नहीं तो एकदम पक्का है 100%, नहीं भी जाओगे तो क्या हुआ, डीवी पीएसटी आपकी हो चुकी तो आपको घर से खींचा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद कोई भी अपडेट मिलता है, और भैया जो भी बच्चे हैं, जो भाई ईमानदारी के साथ हैं, उस 19 बच्चों के साथ भाई आप लोग खड़ा रहो, आप लोग जो सेलेक्टेड हो अपने सीट के लिए लड़ो भाई, वो भी अपने लिए लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी रिट ज्यादा चला जाए और फिर हमें उसका भुगतान करना पड़े फर्जी सर्टिफिकेट, और पता चले सिलेक्शन के बाद 2-4-10 महीने का तनख्वाह उठा ले तब सर्टिफिकेट पकड़ा जाए, तो उसका मतलब क्या रह जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा। इसीलिए अभी अगर आप लोग उनके साथ दे रहे हो, और जहां हमसे उम्मीद करते हो, परीक्षा प्लस टीम से उम्मीद करते हो, जहां कहोगे जब कहोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपने जब भी कहा है हमसे, आज भी हमसे बच्चों ने कहा सर एक वीडियो बना दीजिए इस बात पे, ताकि जो भी बच्चे हों हमारा एक साथ इकट्ठा हो सकें जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, और जो आपके अलग जो भैया ईमानदारी तरीके से नहीं गए हों, कम से कम एक बार आप जो बताएं तो उससे हो सकता है डर ही जाएं, तो भैया उनको डरना क्या है, जो ईमानदारी तरीके से आपके सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं तो वो डरेंगे कहाँ से, हमसे कहाँ डरने वाले हैं, ठीक है। तो वो तो पकड़वाना वाला जो है पुलिस विभाग है वही करेगी, जब वही नहीं कर पा रही है कि कौन चोर है कौन सिपाही है तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि भैया आप बच्चे जितने लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, उनका आप सभी लोग साथ दो, ठीक है, क्योंकि उनका साथ दोगे तो आपकी भी सीट बची रहेगी, ये ना सोचो, क्योंकि अगर साथ नहीं दोगे तो फिर वही कट ऑफ चला जाएगा। तो अभी देखे हो ना दरोगा वाले जो लिस्ट में, जो लिस्ट नाम आया यूपीएसआई में, उसमें अलग अलग नाम तरीके से रिजल्ट भी है, किसी का नाम है दरोगा भर्ती, किसी का नाम है कुछ भी, मतलब नाम ही अलग अलग है। अब वो समझ में नहीं आ रहा वो रिजल्ट किसका बनाए हैं, अगर आपने सबको बाहर कर दिया था फर्जी वालों को तो वो नाम कैसा है, तो वो भगवान जाने आयोग का माया, ठीक है। लेकिन आप लोग कोड के आश्रय लेकर ये चीजें मांग सकते हो कि भैया फर्जी जितने लोग हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट आपने फर्जी करार दिया है, किसको आपने बाहर किया है, इसका डिटेल आप हमारे साथ साझा करें, ठीक है। तो वो करना भी चाहिए भर्ती बोर्ड को, तभी आपके कहीं ना कहीं फेयर होगा। और जहां कहोगे, जैस मोन में कहोगे कि भैया चलना है, जिस चीज के लिए करोगे बस वो जेन्यून रीजन होना चाहिए, उसके साथ उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। जैसे यही फर्जी सर्टिफिकेट वाला और सेकेंड लिस्ट की जब मांग की गई थी तो भाई ये जेन्यून था, रीजन भी था, आप लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट भी इकट्ठा किए थे कि देखिए कैसे प्रिंट हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है सीवी रमन यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे सुबार्तो यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब यूनिवर्सिटी हर बार कहीं ना कहीं किसी स्टेट में फर्जी सर्टिफिकेट के लिए बदनाम है, ये ध्यान रखना। तो वो जो लोग
ऐसे फर्जी तरीके से किए होंगे तो भैया जाहिर सी बात है उनको पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई भी नाम नहीं आया तो दिक्कत तो होगी। तो जो आपके पास पुख्ता जिस चीज़ के लिए सबूत है और जिस चीज़ का डिमांड कर रहे हो वो एकदम लगेगा टीम को कि नहीं आप सही चीज़ का डिमांड कर रहे हो, तो आपके साथ टीम दिन रात खड़ी रहेगी, जहां कहोगे वहां उपस्थित रहेगी। उसके लिए एकदम ना हिचकिचाना, जब चाहे तब आप फ़ोन करके हमसे कह सकते हो कि सर आपकी मदद चाहिए, हम ज़रूर मदद करने के लिए आपके साथ रहेंगे। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, जो भी नया अपडेट होगा टीम आपको ज़रूर बताएगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।